कैसे हैं आप उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे तो जी आज का सीन ये है मैं जा रही हूँ शॉपिंग करने ईद की शॉपिंग करने बड़े दिन से मैं ना देख रही थी जाती हूँ जाती हूँ बस रोजा रख के दिल ही नहीं करता था तो जी अब होते हैं हम लेस गो घर से निकलते हैं सो गाइज वेलकम बैक टू माई अनदर व्लाग और जी हमारी घर से रवानगी हो रही है और ये रास्ते में हमें नजर आए जी कब्रिस्तान मैं जब भी गुज़रती हूँ द्रूद पाक पढ़ती हूँ उनके लिए दुआएं करती हूँ और मेरा दिल बहुत ही अफसरदा हो जाता है जब भी मैं यहाँ से गुज़रती हूँ हाय कैसे हमारे से जुदा हो जाते हैं इतने हमारे प्यारे तो जब हम बाज़ार पहुँच चुके हैं ये हमारा जी घंटा घर नज़र आ रहा है <laughs> इतनी गर्मी थी रोज़ा रखा हुआ था इतनी धूप यहाँ पे हमने दिया हुआ था चॉपर तो वो हम लेने आए थे चेंज करवाना था तो वो हम ले कर अब निकलते हैं जी दूसरी शॉप पर देखते हैं जी और अब हम इधर आए हैं जी ऊर्वा का सूट ले लें जहाँ पर मेरी में होंगी वहाँ पे ऊर्वा की तो होगी ही हो होगी मैं चाहती हूँ जहाँ पे मैं जाऊँ मैं चाहती हूँ मेरी शॉपिंग हो साथ ही ऊर्वा की भी हो तो देखते हैं जी क्या कैसा ड्रेस उसका पसंद आता है इसका हम ले लेना हैं जी लॉन् का ही रेडीमेड तो जी ये हमें पसंद आया है ये गरारा और ये शर्ट है तो जी अब इसकी हमने कर लिया है जी, रेट वेट कर लिया है अब हम इसको ले कर चलते हैं जल्दी हमें पसंद आ गए हमें इतना टाइम लगा ही नहीं है और जी बहस बूस हो रही है <laughs> अब आए जी मेरे सूट की बारी ये देखे जी ये लगे हैं जी कुछ ड्रेस और मुझे पसंद आ जाए ये बहुत ही गनीमत की बात है इतने अजीब अजीब सूट थे अब ये जो उसने पहला सूट दिखाया यही ये, ये देखें ऑरेंज कलर का यही कुछ हद तक ठीक है अभी वो दिखा रहा था कि ये देखें ये ब्लू कलर में है ये भी मुझे पसंद नहीं आया और ये मुझे फाइनली पसंद आ चुका है तो जी अब वो और दिखा रहा है लेकिन मुझे पसंद तो वही आया है वो अपनी तसल्ली के लिए और दिखा रहा है कि ये भी पिंक उसने दिखाया है पिंक कलर तो अच्छा था लेकिन ऊपर जो कढ़ाई हुई थी वो बड़ों वाली कढ़ाई हुई थी कढ़ाई हुई थी वो मुझे नहीं पसंद आ रही थी तो मेरी नज़र तो उसी पे ही है वो ऑरेंज कलर का है तो हमने कहा जी इसी को पैक करें अब वो हमें खोल खोल के दिखा रहे हैं जी इस तरह की इसकी कैपरी है ये डिज़ाइन है इसके ऊपर कॉपर कलर की कढ़ाई हुई है और सिंपल सी हुई है आगे घेरे पे भी और पीछे बैक पे भी इस तरह का जो गला बना हुआ है डिज़ाइन बना हुआ है तो जी अब हम आए हैं जी दुबट्टे को हमने पी को करवानी है पीको करवा के फिर इसको डाई करवाने के लिए दे देंगे कलर वो ढूंढ रहा था तो अब देखते हैं जी निकलते हैं अब आपको ये तो चीज़ याद होगी बचपन की ईद <सथिएद> कार्ड्स इतने प्यार प्यारे प्यारे ईद कार्ड्स का ये मैंने लिए हैं जी अपनी कज़न्स के लिए दो कज़न्स हैं मेरी इनको मैंने ईदी देनी है उनके लिए कार्ड लिए हैं मैंने बड़ा <सथिएध> मज़ा आया मुझे ईद कार्ड्स देख के अब मैं आई हूँ लेने जी उनके लिए कुछ रिंग्स या देखते हैं जी टॉप्स कुछ मुझे पसंद आ जाए और फिर लेंगे हम चूड़ियाँ आहिस्ता आहिस्ता देखते हैं क्या क्या हम लेते हैं ज्वेलरी भी काफ़ी अच्छी थी तो जी यहाँ पे हम ले रहे हैं रिंग लेने आए हैं उनका मैंने कहा है जी कोई दिखाएं रिंग्स और ये जो है ना टिकटॉक पे बड़ी वायरल हुई हैं ये जो खुली भी हो जाती हैं और बड़ी प्यारी ब्लैक कलर में हार्ट्स बने हुए हैं कोई फ्लावर्स बने हुए हैं और ये ये हमने कलरफुल ली है तो ये मुझे बड़ी प्यारी लगी अब आए हैं जी हम टॉप्स लेने ये मैंने लिए हैं जी पर्ल वाले टॉप्स एक है जी दूसरी कज़न के लिए जारा के लिए ब्लैक कलर में और फिर दूसरा कज़न जो है हालाँ के लिए उसके लिए देखेंगे हम पिंक कलर में क्योंकि उसका पिंक कलर का ड्रेस है तो जी अब हमें ले लिए है जी पिंक कलर के पर्ल वाले टॉप्स शाइनी शाइनी बहुत प्यारे थे आए हैं जी अब लो जी लो जी नाजरीन हजरात अब जी चूड़ियाँ जो कि लड़कियों की शौक़ रौनकें होती हैं आवाज़ आती है छन छन मुझे तो चूड़िया बहुत पसंद है चूड़ियों की कलर उसकी आवाज़ आती है मैं तो ना ड्रेस जो भी मैं पहनूँ ना मैं उसके साथ जरूर मैच करके ना चूड़ियाँ जरूर पहनती होती थी अब भी मैं पहनती हूँ लेकिन वो शौक़ नहीं रह गया जो पहले था अब ईद का इतना शौक रह नहीं गया बस ईद होती हैं अपनों से और अपने बस जो साथ है, साथ से बिछड़ जाएं तो फिर ईद का इतना मज़ा नहीं रहता ये अब हमने मैंने लिया है अपनी दोनों कज़नों के लिए और एक उसके लिए ली है हमारे घर आती है जी की गाँव वाली हमने उसको भी ईदी देनी है क्योंकि क्यों ना जो मैं अप, हम लोग जो अपने लिए लिए हैं तो वो भी दूसरों के लिए पसंद करें तो उसके लिए भी ईदी लेके जा रहे हैं उसके लिए भी चूड़ियाँ ली हैं और चलो अब इसको पकड़ते हैं और निकलते हैं पकड़ लो जी पकड़ लो हाथ में ही नहीं आ रहा इतना रोज़ा लग रहा था <laughs> अब हम इसके लिए समरीन के लिए लेने आए हैं कोई जूता तो ये जूते तो नहीं पसंद आ रहे थे हमने फिर सोचा कि हम खुदा ही देखते हैं तो बहुत ही रश था बहुत ही रश था ईद के दिन गई थे देखने आए जी खुदा ख़ुदा देखते हैं जी हमें कौन सा पसंद आता है मुझे तो गोल्डन कलर का पसंद आ रहा था मामा को भी और मज़े की बात उसका साइज़ भी मेरे जितना ही था तो मैंने पहन के चेक किया मुझे पूरा आ गया चलो उसको हमने डन किया और फिर हम निकलते हैं इसको ले लिया हमने खुदसा और फिर मैंने अपना दुपट्टा डाई करने के लिए दिया हुआ था वो हो चुका था मामा कह रही थी इसको आप ना सुखा के चेक करके दिखाने कलर जो है वैसा ही सेम सेम है फिर जी हमने दुपट्टा लिया और फिर दूसरे काम के लिए निकलने लगे और जी अब हम जा रहे हैं जी ग्रोसरी लेने हम जा रहे हैं तारक मार्ट ग्रोसरी लेने हमारी शॉपिंग वगैरह तो हो गई है ये हमने ना लास्ट पे काम रखा हुआ था कि हम शॉपिंग करने ग्रोसरी करने जाएंगे और ये बस हम पहुंच चुके पहुंच ही चुके हैं तारिक मार्ट चलो जी उतरो उतरो रिक्शे से रिक्शे से उतरो जी लो जी हम पहुंच चुके हैं आप जी हमने अपनी ट्रॉली पकड़ ली है मामा ने और आहिस्ता आहिस्ता देखते हैं हम क्या क्या लेते हैं सबसे पहले लिया है जी हमने कढ़ाई गोश्त मसाले वगैरह फिर हम लेंगे दालें वगैरह फिर हम लेंगे ऑयल इस तरह की हमारी किचन की जो है चीज़ें वो हम उस रो में हम आ चुके हैं ये हमने जी पकड़ लिए हैं जी चने वाइट चने और फिर पकड़ लिए मैंने पकड़ ली धड़ा मिर्च और फिर मैंने पकड़ लिया हल्दी शल्दी <laughs> कुछ चीज़ें मैं पकड़ी थी कुछ चीज़ें मामा पकड़ी थी हम दोनों मिलके जो हम हम ग्रोसरी लेने जाते हैं ना बल्कि जो भी बाज़ार का काम होता है ना मैं मामा के साथ जरूर जाती हूँ कि अकेले बंदे को इतनी समझ नहीं लगती तो साथ कुछ ना कुछ पूछ लेते हैं तो जी गुड़ ले लिया है जी हम गुड़ वाली चाय पीते हैं जी शौक़ शौक से गुड़ पकड़ लिया है और इसको रख लिया है जी ट्रॉली में और फिर हम हम ले, ले लिया है जी पत्ती छत्ती चाय के बगैर चाय के सिदाई होते हैं जी हम हमें हमें चाहिए होती है खाने के फ़ौरन बाद ही ममा कहती होती है चाय रख दो तुम फ़ौर ही खाने के फ़ौर बाद चाय <laughs> सारे शौकीन हमारे घर वाले फिर अपन पकड़ ली जी चिली सॉस और पत्ती जो हमें लिपटन पत्ती चाहिए थी वो पकड़ ली है और जी अब हमने सारी शॉपिंग कर ली है शैम्पू शैम्पू ले लिए साबुन जो भी इस तरह की छोटी बड़ी चीज़ें थी वो हमने ले ली है अब हम आए जी बिल करवाने जी, लास्ट काम जो आ जाता है जी बिल हमारी जो है जेब खाली हमारा जो पर्स है तो पर्स खाली हो जाता है अल्लाह ताला जी हमारे भाइयों को तरक्की दे रिज में इजाफा करे उनको बरकत दे माशाल्लाह माशाल्लाह तो जी अब हम निकल चुके हैं अच्छा मैं आपको ये दिखाना चाह रही थी ये हमारा जो है मेरे जो कॉलेज के आगे स्कूल के आगे जो है ये स्टेडियम है और मैं इधर से गुजर रही थी और मुझे सारी पुरानी यादें ताज़ा हो गई अभी आगे मेरा कॉलेज आ रहा है <laughs> बड़ी हमारी यह पुरानी यादें हैं बहुत ही मज़ा आया हमें जो हमने स्कूल लाइफ कॉलेज लाइफ ये पास ये मेरा कॉलेज है आने वाला है <laughs> ये गुजर चुका है मेरा कॉलेज हम बड़ा इन्जॉय करते थे बाहर की सारी दुनिया देखते थे तो जी अब हम घर पहुंचने लगे हैं यहाँ से अब हम उतरते हैं रिक्शे से हमारा घर आने वाला है और अब मैं पहुँच चुकी हूँ सो गाइस यहाँ पे मैं अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ आई होव आपको मेरी शॉपिंग छोटी छोटी चीजें जो है पसंद आई होगी अच्छा से कमेंट करें लाइक करें सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा अपना बहुत सारा ख्याल रखें अल्लाह हाफिज बाय